मामलों का संज्ञान ले रहे हैं और यहाँ पर आए हैं जांच के लिए। सर जो है किस मामलों के किस एंगल से आते हैं? ये बताया जा रहा है कि मालती चौहान ये कल ही अपने मायके से यहाँ पे आए हैं अपनी पत्नी विष्णु राज के साथ, और सुबह इनकी सूचना आई कि इनकी मौत हो गई है। इस सूचना पर फोरेंसिक टीम को यहाँ मौके पर बुलाया गया, पूरी जाँच पड़ताल की गई है। मालती इनके पिता तहरीर दे रहे हैं थाने में, उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी पूरे प्रकरण में। किसके खिलाफ दिए हैं? उसके पति विष्णु राज के खिलाफ दिए उन्होंने, उसे हत्या कर देने का आरोप लगाया। इसके पहले अर्जुन से उन्होंने शादी कराई थी, क्या सर जी कोई और भी जो है आप लोगों के पास रिपोर्ट गई थी इसके पहले? नहीं, इसके पहले और पुलिस को छानबीन की जा रही है कि आप पहले कोई शिकायत पति पत्नी में कोई विवाद हुआ था क्या? यहाँ आने पर पता चल रहा है इनके बीच मनमुटाव जरूर था। जी जी, नहीं समझौता भी सर हुआ इस मामले में, अर्जुन और मालती से शादी का मामला सर सामने आया था, फिर आप आपको समझौता भी ये लोग कर दिए, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एक रात में ये सब? ये तो जांच के बाद पता चलेगा सारी चीजें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाना चाहिए और हमारी जाँच भी चल रही है, जाँच के बाद मैं अवगत करा पाऊँ। सर विष्णु राज ने अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात को मंदिर में करवाई थी, ये मामला करीब 8-10 दिन से चल रहा था। इस चीजों को तो अभी पता नहीं है पुलिस को, आप चूंकि आप बता रहे थे इस तथ्य पर भी जानकारी की जाएगी और योजना में समाहित किया जाएगा। क्या ये कानून ये अधिकार देता है कि कोई अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्द से बगैर किसी को खबर के प्रशासन को खबर किए बिना तलाक की कोई भी शादी दूसरी शादी अवैध होती है, कानूनी मान्यता उसकी नहीं होती है।